हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी नाइन से। आज हम देखेंगे आपको ब्लैक ड्रेस पे किस तरह की, कौन से कलर की लिपस्टिक लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मल से कैजुअल, फिर हम पार्टी वेयर पे चलते हैं। ब्लैक सुनते ही मुझे एकदम से याद आता है कि रेड लिप्स, रेड कलर इज़ माय फेवरेट। तो मैं तो हर कलर के साथ, अगर मुझे रेड पहनने मिले तो मैं कभी नहीं सोचती हूँ। पर हाँ, ब्लैक के साथ अगर आप रेड पहनते हैं तो काफ़ी पार्टी लुक हो जाता है। तो पहले हम फॉर्मल पे चलते हैं। फॉर्मल कहें या डे लुक भी कह सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत सॉफ्ट आई लुक रखा है, लाइनर भी नहीं लगाया है, काजल भी नहीं लगाया है, और एक मैंने सिर्फ गोल्ड डस्ट यूज़ किया है। लेट मी शो यू। हाँ, मैंने मेबली न्यूट पैलेट से ये ब्राउन क्रीज में लगाया है, कॉपर ब्राउन जो है, और ये गोल्ड बाकी के लिप में लगाया है। अगर आप डे लुक में रोज़ ऑफिस या कॉलेज आई शेडो वेयर नहीं करना चाहते या आप नहीं करते, जनरली लोग कॉलेज में आई शेडो नहीं पहनते, ऑफिस में बहुत कम लोग पहनते हैं आई शेडो, हर कोई नहीं यूज़ करता है, तो आपको अगर डे लुक में आई शेडो नहीं चाहिए तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं, और आप लाइनर लगा सकते हैं। और अभी मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि मैंने आई शेडो लगाया है, बट इसके साथ भी आप लाइनर या काजल यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। मैं आपको लाइनर के साथ लुक करके दिखाती हूँ। ये लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन हाइपोग्लॉस। मैंने डे लुक के हिसाब से बहुत हल्का सा विंग दिया है, सिर्फ लाइन आउटलाइन कर रही हूँ मैं आईज की। तो मैंने हल्का सा फ्लिक दिया है। ऐसा नहीं है कि आपका लिप कलर सिर्फ आपकी ड्रेस पे डिपेंड करता है, आप जो भी ड्रेस पहनते हैं उस पर आपका आई मेकअप और लिप कलर दोनों ही कंपैटिबल होना चाहिए। तो मैंने बहुत न्यूट शेड यूज़ किए हैं, ये शिमरी नहीं है, हल्के से शिमर है, आप नहीं कह सकते कि बहुत शाइन कर रहा है, तो आप इसे टोटली डे वेयर रख सकते हैं। अब जो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ वो है मेबलिन की मैटली मजेंडा। अगर ये लिपस्टिक आपके पास है तो आप अपने डे लुक को नाइट लुक में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी हल्की लगाई हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बहुत हल्की लगाई है, बहुत हल्की। अब मैं टिश्यू से डैप करूंगी। और इसे मैंने एकदम नेचुरल कर लिया है, काफ़ी न्यूट कर लिया है, तो ये डे लुक के लिए परफेक्ट है। मुझे जैसी मैं हूँ, मुझे थोड़ा सॉफ्ट लुक पसंद है डे लुक के लिए, तो मेरे लिए परफेक्ट है ये। आप अगर और न्यूट जाना चाहते हैं डे लुक में तो मेरे पास एक कलर है, ये है ब्लू हेवन का न्यूड लिप्स। तो आप अगर इसके ऊपर लगाएं तो हम देखते हैं कि कैसा कलर बनेगा। अब देख रहे हैं ये और ज़्यादा न्यूड हो गया। आप डायरेक्टली ये लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने फाउंडेशन लगाया है या कंसीलर लगाया है, उस तरह का लुक आएगा। ये न्यूड कलर आपके स्मोकी आई के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अगर आप डे लुक के लिए चाहते हैं तो इसे लगाएं, थोड़ा टिश्यू से डैप कर लें अगर आप इतना डार्क कलर वेयर नहीं करते हैं। तो आपने देखा मैंने न्यूड कलर भी लगाया, तो ये कितना अच्छा कलर बन गया है, ये डे लुक के लिए एकदम परफेक्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब सेम लिपस्टिक से आप इसे नाइट लुक भी कर सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। ये है वो लिपस्टिक, मेबलिन मैडली मजेंडा, हाँ यही है। हम इसे दो कोट करेंगे। आपका अगर ये डे लुक है, आप देख सकते हैं ये आपका डे लुक है, अब हमें इसे नाइट लुक में चेंज करना है। आप कहीं बाहर हैं, आप ऑफिस में हैं, सडनली प्लान बनाया आपको बाहर जाना है और आपके पास सिर्फ एक लिपस्टिक है, चलिए इसे क्लीन करते हैं। और
थोड़ा ड्राई टिश्यू से अब हमें ये लगानी है। और देखिए कितना डार्क पिंक हो गया ये। और मेरे हिसाब से सॉफ्ट पार्टी लुक के लिए, वो भी नाइट वेयर, ये बेस्ट है। देखिए कितना इजी है और ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है और थोड़ा सॉफ्ट भी है, थोड़ा पार्टी लुक भी है। तो आप डेफिनेटली ब्लैक के साथ ये मैजेंटा कलर यूज़ कर सकते हैं, ये वर्थ है। डे लुक के लिए भी, नाइट लुक के लिए भी आपको थोड़ा सा लगाना है। डे लुक आपने ज़्यादा लगाया आपका नाइट लुक। अगर आपको डे लुक में ज़्यादा हैवी लिप कलर पसंद है तो अभी आप कम्प्लीटली ये यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट कलर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कलर है ब्राउन। ब्राउन कलर बेसिकली ऑफिस वेयर के लिए बहुत यूज़ होता है। आप इसे कम्प्लीटली डे लुक में इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर आपका थोड़ा विटिश है, थोड़ा डार्क है आपका स्किन टोन, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ब्राउन जाएं, क्योंकि वो आप एक तो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, आपका जो कलर है एक्चुअल स्किन कलर वो दिखेगा। और आप अगर ब्राउन यूज़ करते हैं तो फिर थोड़ा एक डलनेस आ जाएगी फेस पे, जो कि हमें नहीं चाहिए। जिनका स्किन कलर मेरे जैसा है या मेरे से और फेयर है, उनके लिए ब्राउन बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो ये मैंने कलर एसेंस की ब्राउन ली है, रोज़वुड। ये इसका कलर रोज़वुड नाम बस है इसका, बट ये थोड़ा ब्रिक रेड जैसी है, ब्रिक ब्राउन कह सकते हैं आप। थोड़ा हल्का सा ये मरून फैमिली को टच कर रही है, मरून कलर फैमिली को। अब मैं कलर फैमिली बाद में किसी वीडियो में समझाऊंगी। ये इसका फ्रेग्रेंस जो है बिल्कुल रोज़ की तरह है। और ये कलर एक्चुअली मुझे पार्टी लुक के लिए बहुत परफेक्ट लगता है, लोग ऑफिस में भी यूज़ करते हैं। तो ब्राउन को आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आई मेकअप भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप ऐसा न्यूड रख सकते हैं, थोड़ा ब्लैक स्मोकी जा सकते हैं। आई शो यू, मैं इसी के ऊपर दिखाती हूँ आपको, अगर थोड़ा और पार्टी लुक ऐड करना है। ये मेबेलिन न्यूड का ब्लैक कलर ले रही हूँ और थोड़ा सा स्मोक कर रही हूँ। तो ये हो गया आपका कम्प्लीटली पार्टी लुक। न्यूड्स के साथ आप इसे डे लुक में यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा हल्का स्मोकी के साथ आप इसे पार्टी लुक में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ब्राउन। अब हम नेक्स्ट कलर की तरफ मूव करते हैं, वो है पिंक। पिंक ऐसा कलर है कि आप उसे डे हो नाइट हो, वो हमेशा हर ड्रेस के साथ जाता है, और ब्लैक के साथ वो और कॉम्प्लीमेंट करता है। आप नियॉन पिंक भी जा सकते हैं क्योंकि इट्स ब्लैक। आप जितना वाइब्रेंट कलर भी पहनेंगे तो भी वो बुरा नहीं लगेगा। आप अगर थोड़ा न्यूट की फैमिली में पहनेंगे तो भी वो बुरा नहीं लगेगा। आप कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ब्लैक के साथ। तो चलिए पिंक के साथ देखते हैं। ये पिंक, ये सेवन हेवेंस का है, इसका कलर है डीप रेसबेरी। ये मैंने ऑनलाइन लिया है अमेज़ोन से। आपको अगर डिटेल्स चेक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पिंक है, अगर आपने इसे सुबह लगाया है तो ये पूरी शाम तक वैसे ही रहने वाला है, ये बिल्कुल मूव नहीं होगा। टोटली वाटर प्रूफ, स्टेन प्रूफ, और क्या कहें, आपको मतलब जैसा मैट चाहिए जो आप चाहते हैं कि बार बार टचअप ना करना पड़े, मूव ना हो, ब्लीड ना हो, ये वही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा कोरल टाइप का पिंक है,
आप इसे प्रॉपर पिंक नहीं कह सकते, एकदम जो वाइब्रेंट हो या नियॉन हो या हॉट पिंक हो वैसा नहीं है, बट ये डे लुक पे भी जाएगा आपके, ये नाइट लुक पे भी जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने गोल्ड ब्लैक स्मोकी किया है, तो ये परफेक्ट लग रहा है मुझे नाइट लुक के लिए। तो आप टोटली इसे नाइट लुक पे भी यूज़ कर सकते हैं, डे लुक पे भी। और जो मैं कह रही थी कि एकदम स्टेन प्रूफ है, देखिए ये पूरा मैट हो गया, थोड़ा टाइम लेता है ये सेट होने के लिए, और उसके बाद आपको कोई कलर नहीं दिखेगा, कलर ट्रांसफ़र ही नहीं होता है। इसे निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप फेस वॉश से करेंगे तो वो निकल जाएगा, जो थोड़ा बहुत रह गया आप ऑयल लगाइए और वो दो मिनट में बाहर। इसके साथ इसके दूसरे एंड पे ग्लॉस भी आता है, तो आपको थोड़ा अपना पार्टी लुक थोड़ा और इन्हेंस करना है, थोड़ा और अच्छा लगना है, तो आप टोटली ग्लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ग्लॉस लगाया है, हल्का सा कलर चेंज आया है, थोड़ा ये और पार्टी मोड में दिख रहा है, और मुझे परफेक्ट लग रहा है ये नाइट लुक के लिए, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मेबलिन के बाद या आप कह सकते हैं मेबलिन के पहले, तो मैं ये प्रेफर करूँगी। अगर मुझे डेली मैट चाहिए, मुझे टचअप नहीं करना है, तो ये बेस्ट है। उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको मेबलिन लेना चाहिए मैट लिमिटेड। अब हम चलते हैं फाइनली डार्क शेड्स पे, जो कि सिर्फ हम पार्टी लुक के लिए यूज़ करेंगे। इसे रिमूव करते हैं, मैं मेकअप रिमूविंग वाइप से कर रही हूँ, आप देखिए। कितनी इजीली हो गया, क्योंकि मैंने ग्लॉस लगाया था। अब आप अगर ग्लॉस लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली मूव करेगा। ये फाउंडेशन ब्रश है जो मैंने यूज़ किया था, बार बार लिपस्टिक पोंछ कर जो स्टेन पड़ जाता है उसके लिए मैंने ठीक किया। अब हम चलते हैं डार्क पिंक की तरफ, ये है कलर एसेंस की लिक्विड लिपस्टिक। ये भी मैट और स्टेन प्रूफ के लिए, ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग है। इसमें और भी कलर्स हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मेरे पास नियॉन पिंक है इसमें, इसमें मेरे पास रेड है, आज मैं ये दिखाती हूँ आपको, बेस्ट कलर है। आपको फील ही नहीं होगा, ये जो मैंने 7 कलर दिखाई इसमें आपको थोड़ा लगेगा हाँ मैट है, थोड़ा आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, पर इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने लिपस्टिक लगाई है, आप भूल जाएंगे उसे, ना टचअप करना रहेगा, ना वो आपके लिप्स पे फ्लेकी होगा। इवन आफ्टर बीइंग मैट ऑल डे, सारा दिन मैट भी रहेगा, उसके बाद भी आपके लिप्स ड्राई नहीं होंगे, आपको फील नहीं होगा कि आपने लिपस्टिक लगाया है। तो मैं दिखाती हूँ इसका कलर, और ये बहुत थोड़ा अमाउंट इनफ है। मैंने पूरा बॉटल की नेक में क्लीन किया है, उसके बाद मैं लगा रही हूँ। इतना स्मूथ है ये, और डार्क पिंक है तो आप इसे टोटली नाइट लुक के लिए यूज़ कर सकते हैं कम्प्लीटली, और ब्लैक को ये और कॉम्प्लीमेंट करता है। आफ्टर रेड अगर कोई कलर कॉम्प्लीमेंट करता है तो मुझे लगता है वो है ये डार्क पिंक, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। ये भी थोड़ा टाइम लेता है ड्राई होने में, जैसे ही मैट होता है, और ये सारा दिन ऐसे रहेगा। आप ड्राई होने का थोड़ा वेट करें, थोड़ा ही टाइम लगता है, और उसके बाद आप एक कोट और कर सकते हैं चाहे तो, अगर आपको और डार्क चाहिए। मेरे लिए ये इतना इनफ है, मैं इससे ज़्यादा डार्क नहीं पसंद करती हूँ पिंक। अब हम नेक्स्ट शेड पे चलते हैं, जो कि है हमारा रेड। तो रेड के लिए मैं 7 कलर का ही रिच रेड यूज़ कर रही हूँ,
तो इसकी तो मैंने स्पेसिफिकेशंस आपको पिंक में बता दिए हैं, तो इसका रेड कलर देखते हैं। मुझे रेड में 9 to 5 का रेड कोट भी बहुत पसंद है, और जो मैंने ये कलर एसेंस भी दिखाई है आपको, इसका सिरेन रेड भी बहुत अच्छा है, जिनका थोड़ा वार्म अंडरटोन है। वार्म मीन्स जो थोड़े से विटिश हैं, जिनका थोड़ा सा स्किन टोन येलो है, उन्हें थोड़ी ऑरेंज टिंटेड रेड लिपस्टिक यूज़ करनी चाहिए, तो उनके लिए वो रेड सेरेन कलर एसेंस की बेस्ट है। मैं नीचे लिंक शेयर करूँगी, आप डिटेल्स देख लीजिएगा वहाँ से। ये हुआ रेड कलर। ब्लैक के साथ रेड लिप्स कैसे नहीं अच्छा लगेगा, ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और आजकल आप ऑफिस में भी रेड यूज़ करने लगे हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग, और आप टोटली ये रेड वेयर कर सकते हैं। ये ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, काफ़ी कुछ ब्राउन फैमिली को टच कर रहा है, ब्राउन कलर फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो आप इसे टोटली पहन सकते हैं डे में, नाइट में। नाइट में मैंने देखा आपने थोड़ा स्मोकी किया हुआ है मैंने, तो वो टोटली नाइट लुक के लिए जा रहा है। फिर भी आपको लिप्स बोल्ड चाहिए, कई लोग न्यूट्रल्स पे जाते हैं, पिंक्स पे जाते हैं, कॉरल्स पे जाते हैं, और मगर आपको रेड चाहिए लिप्स ब्लैक स्मोकी के साथ, तो आप ये वाला रेड टोटली यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।